जॉयफुल लर्निंग स्तर माध्यमिक गतिविधि क्रमांक 23। गतिविधि का नाम कविता संकल्प। गतिविधि हेतु आवश्यक तैयारी सामग्री। भाषा भारती कक्षा 6 पाठ 17 संकल्प पृष्ठ संख्या 107। एक बड़ा तिरंगे झंडे का चित्र। सभी कक्षाओं के बच्चों के 4-5 मिश्रित समूह बनाएं। प्रत्येक समूह में कक्षा 6 की कुछ पाठ्य पुस्तकें अवश्य हों। वर्ण कार्ड, वर्णमाला चार्ट, 12 खड़ी चार्ट। गतिविधि की प्रक्रिया। शिक्षक द्वारा उचित आरोह अवरोह में कविता का स्वस्वर वाचन किया जाएगा। उसका अनुकरण वाचन बच्चों द्वारा किया जाएगा। कविता को 2-3 बार गाया जाए। कविता को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बोलने के अवसर दिए जाएं। कविता को आगे बढ़ाना, कविता से कहानी बनाना, स्थानीय भाषा में कविता से कहानी बनाना। भाषाई खेल, चाल बदल भाई चाल बदल। इस खेल में सभी बच्चे अपने नेता या नायक के द्वारा जो काम या क्रिया की जाती है उसकी नकल करते हैं। दाम या दांव देने वाला बच्चा घूम घूम कर उस नेता या नायक बच्चे की पहचान करता है। बच्चों को एक गोल घेरे में बैठाएं। किसी एक बच्चे को कक्षा के बाहर या दूर भेज दें। एक बच्चे को नेता या नायक बना दें। नायक ताली बजाकर खेल आरंभ करेगा। अन्य सभी बच्चे भी ताली बजाएंगे। तालियों की आवाज सुनकर बाहर या दूर गया दांव या दांव देने वाला बच्चा भीतर आएगा और घेरे में घूमेगा। सभी ये पंक्तियां कहते रहेंगे, चाल बदल भाई चाल बदल। नायक दांव देने वाले की नजर बचाकर अपनी चाल बदलेगा, जैसे ताली बजाना, चुटकी बजाना या सिर खुजाना। दूसरे बच्चे वैसे ही करने लगेंगे। यदि दांव देने वाला नायक को पहचान लेता है तो वह उसके स्थान पर बैठ जाएगा और पहले नायक को दांव देने के लिए बाहर भेजें। नया नायक चुनकर खेल को आगे बढ़ाया जाएगा। यदि दांव देने वाला बच्चा 3 चाल तक नायक नहीं पहचान पाए तो जो नायक कहेगा वैसा उसे करना पड़ेगा, जैसे नाचना, गाना, कविता सुनाना, किसी पशु पक्षी की आवाज सुनाना आदि। ये खेल बच्चों को इच्छा अनुसार और समय सीमा तक खिलाएं। वर्ण स्तर। वर्ण स्तर के लिए कविता में आए वर्णों को पढ़वाएं एवं लिखवाएं। इनसे बनने वाले शब्दों में उक्त वर्णों पर गोला बनवाएं, अनुलेखन प्रतिलेखन करवाएं। शब्द स्तर। शब्द स्तर के लिए कविता में आए शब्दों जैसे बाधाएं, विश्वास, सूखेगी, बूंदें, उद्गम, नदियों इत्यादि शब्दों का प्रतिलेखन कराएं एवं शुद्ध लेखन कराएं। विलोम शब्द लिखिए, उदाहरण मोटा पतला। वाक्य स्तर। वाक्य स्तर के लिए कविता में आए शब्दों के अर्थों को समझाकर उन शब्दों से वाक्य प्रयोग करवाएंगे। सही शब्द चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाते हुए वाक्य लिखवाएं। बादल बनकर खाली स्थान वह धरती पर बरसे। खाली स्थान चलना सीखेंगे गिरने से ना डरें। खाली स्थान गूथे सुमनों से बने हार अनगिनत हाथों से। कुछ बात करें, कुछ काम करें। परिश्रम का महत्व बताइए। बादल कैसे बनते हैं। कविता में संकल्प करने पर क्यों बल दिया गया है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए।